हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है ये काली कॉफ़ी। अक्सर मैं काली कॉफ़ी पी रहा होता हूँ तो लोग मुझसे बोलते हैं कि आप ये क्यों पी रहे हैं, अपने आप को टॉर्चर क्यों दे रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि टॉर्चर क्यों दे रहे हैं। वीडियो से पहले ज़रा एक सिप तो ले लें काली कॉफ़ी की। ब्लैक कॉफ़ी जो है वो बहुत ही हेल्दी है और हम लोगों को इन चीज़ों के बेनिफिट्स नहीं पता। डाइट जो है ना, मॉडिफिकेशन वो बड़ी ज़रूरी होती है आपकी हेल्थ के लिए और हम उसी को ही जो है इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ब्लैक कॉफ़ी के आपने 1 से 2 कप अगर पिए रोज़ाना तो आपका दिल जो है वो स्ट्रांग होता है और आपको कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रोक और कार्डियोवेस्कुलर मतलब ब्रेन और कार्डियोवेस्कुलर जो है ना स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हेल्दी फॉर हार्ट एंड ब्रेन, नंबर वन सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा। तो थोड़ी अमाउंट में आप पियेंगे तो ये होगा। इसके अलावा अल्जाइमर्स एक बीमारी होती है, इसमें मेमोरी की प्रॉब्लम और वो होती है। अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो 16% उसके चांसेस कम हो जाएंगे कि आपको अल्जाइमर्स हो। कैंसर के बारे में हम सब ने सुना है, कैंसर का रिस्क जो है वो कम हो जाता है अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स फाइट करते हैं, मतलब कैंसर के एंटी होते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप आम फहम जुबान में। और इन्फ्लेमेशन होती है आपकी, इन्फेक्शन से एक पहले का होता है, टिश्यूज़ में होती है, उसको भी जो है ये फाइट करता है और इन्फ्लेमेशन नहीं होने देती। और अब रिसेंट साइंस सारी ये कह रही है कि सारी रूट कॉज प्रॉब्लम बीमारियों की इन्फ्लेमेशन ही है। सिरोसिस लिवर जो ख़राब हो जाता है हेपेटाइटिस और उसकी वजह से बाद में सिरोसिस हो जाती है, एक बीमारी है वो भी ये जो है कम करती है और मूड एलिवेट करती है, कंसंट्रेशन में वो करती है, आपको फोकस करती है कि आप ये पी लेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल्स अच्छे रहते हैं। डायबिटीज़ को प्रिवेंट करती है, शुगर को प्रिवेंट करती है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी से एक ये मुराद है उसमें नो शुगर नो मिल्क, ना दूध हो ना शुगर हो, क्योंकि जब आप ये पियेंगे तो आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको जितना भी पियेंगे आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी तो आप सही। ओबेसिटी इसी वजह से ये कंट्रोल करती है, मोटापे को कंट्रोल रखती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके अंदर विटामिन B12, कैफीन और मैग्नीशियम के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि हेल्दी हैं और नीडेड हैं। अगर और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए।